वेल गाइज, तो फाइनली आरवेज का साल का वन ऑफ द बिगेस्ट फोर डिसऑनर पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहाँ पर आरवेज के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर आरवेज का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहाँ पर क्लोडियो कोस्टोंगली आज आरवेज का वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार पाक के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज, AEW के ब्लड एंड गट्स पर जो भी हुआ था उसके बाद आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहाँ पर आज इस मैच के ओपन होते ही क्लोडियो कोस्टोंगली उनके हार्ड हिटिंग अपर किंग और स्विस डेथ को यूज करते गए। तो गाइज, वहीं इस मैच के अंदर पैक मैच के ओपनिंग के ऊपर ही न्यूट्रलाइजर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते गए। बट गाइज, यहाँ पर इस मैच के अंदर जब एक बार पैक उनका मून सॉल्ट हिट करने वाले होते गए तो गाइज मिडिल एयर के अंदर क्लोडियो अपर कट हिट कर देते गए, जिस अपर कट की वजह से पैक नियरली मैच के अंदर लगभग बेहोश हो गए होते गए। और गाइज, इसके बाद भी क्लोडियो कोस्टोंगली पैक के ऊपर उनका जायंट स्विंग हिट करते गए, जिसकी वजह से पैक को मैच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती गई। और गाइज, इसके बाद आज यहां पर इस मैच के अंदर पैक टेबल के ऊपर जाकर बैठने की कोशिश करते गए। और गाइज, पैक क्लोडियो को टेबल पर पटकने की कोशिश करते गए, बट गाइज यहां पर क्लोडियो कोस्टोंगली पैक को उठाकर उल्टा टेबल पर फेंक देते गए, जिसकी वजह से पैक को काफी ज्यादा चोट लगती गई। और गाइज, बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर पैक इस मैच को लगभग जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर इस मैच के अंदर व्हीलर युता की इंटरफेरेंस होती गई, जहां पर व्हीलर युता के इंटरफेरेंस के बाद क्लोडियो कोस्टोंगली अपर किक और उनके फिनिशर रिको नाम बम्प के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत के आरवेज के वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट गाइज, मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर लुशा ब्रोज रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, लुशा ब्रोज यहां पर क्लोडियो कोस्टोंगली और व्हीलर युता को बीट डाउन करते गए, जिसके बाद के बेस्ट फ्रेंड रिंग में आके ऑरेंज कैसिडी के साथ इस मैच को सेव करते गए। और गाइज, आज यहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर क्लोडियो कोस्टोंगली ने उनका टाइटल रिटेन कर लिया है।